कहां गलतियां नजर आई, कहां मिस मैनेजमेंट नजर आई? पहले मिस मैनेजमेंट जिधर नजर आई शाजिया, तीन ड्रॉप्ड कैचेस। यस, अगर ये तीन ड्रॉप्ड कैचेस ना होते तो देखिए कम से कम 100-120 रन कम होते। दूसरी बात है, कैप्टनसी सही नहीं रही है, बैड फील्डिंग तो चलिए है, मगर वो लास्ट ओवर जो इन्होंने वो स्पिनर को दिया था, लास्ट ओवर स्पिनर को दिया, जब वो आदमी को इंडियंस ने ऊपर करके प्रमोट करके भेजा, वो सिर्फ छक्का स्पेशलिस्ट उनका, ये भी एक बड़ा डिजास्ट्रस रिजल्ट था। और तीसरी बात, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं चिश्ती साहब ने, वो बिल्कुल सही है, जुनेद का सिलेक्शन मेड एब्सोल्युटली नो सेंस। जिस आदमी ने तीन दफे कोहली को 22 बॉल में आउट किया है, भाई खुदा के लिए, द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड के खिलाफ आपके पास लगता ऐसा है कि एक बॉलर है जो उसको आउट कर सकता है और किया भी है तीन दफे, तो फिर क्यों नहीं उसको आपने इंक्लूड किया, खास तौर पे अगर वो फिट है। बस एक चीज पे मैं थोड़ा सा शायद मुख्तलिफ ओपिनियन रखूंगा, वो ये है कि वेदर वी शुड हैव फील्डेड और बैटेड। मेरे ख्याल में हमारा इम्कान था कि हम फील्ड करें एजबस्टन बर्मिंगम, मैं बर्मिंगम में खेला हूं जी, एजबस्टन और बर्मिंगम, और उधर होता ये है अनयूजली, उधर अनयूजली जब बारिश का इम्कान होता है तो ज्यादातर लोग बैटिंग नहीं करना चाहते, वो लोग फील्डिंग करना चाहते हैं और वो सेकंड बैटिंग करना चाहते हैं, दैट्स वेरी अनयूजुअल। अमूमन जब बारिश का होता है ओवल में, एडिंगली में और जगह, इट्स द अदर वे राउंड। मगर सुना है कि हमारी टीम जो थे उनका इरादा ये था कि वो बैट करें, मगर सडनली इट चेंज्ड इसलिए कि वेदर फोरकास्ट देख के। तो ये थी इनकी गलतियां। और वैसे तो हमारी टीम जो आपका बड़ा जबरदस्त इंट्रोडक्शन था शाजिया, इफ आई मे कॉम्प्लीमेंट यू ऑन इट, आपने बड़ा अच्छा और साथ अच्छा इंट्रोडक्शन और ठीक सवाल पूछा। ये टीम बन रहा है, ये टीम अभी इट्स इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग फॉर्म्ड, हमारे सीनियर प्लेयर्स सब चले गए, ये अन क्या कहते हैं, अनट्राइड अनटेस्टेड लोग अभी हैं ये इधर, और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों में इनका स्पिरिट सिर्फ एक चीज से नजर आता है और वो है फील्डिंग। देखिए ना, अगर आप बैटिंग आपके पास माहिर नहीं है तो चलिए, आप अब बॉलिंग नहीं है तो चलिए, दैट इज अ नेचुरल फिनोम, मगर फील्डिंग तो आप सीख सकते हैं ना, फील्डिंग तो आप यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ, क्यों नहीं इन्होंने उस किस्म की फील्डिंग अब तक क्यों नहीं कर सके दीज यंग प्लेयर्स, इस पे मेरी खासी डिसअपॉइंटमेंट है और मेरे ख्याल में हमें देखना पड़ेगा।